हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पूरे 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है पार्ट 3 तक। अगर अभी तक आप लोगों ने वह नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम कवर कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर SSC, एयरफोर्स, नेवी, CGL, RRB, ग्रुप डी और सभी टाइप्स के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यह पार्ट 4 है। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए लर्न वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हर बार की तरह लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन को पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पिछली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 सन में हुआ। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है विश्व में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो विश्व में रेल का आरंभ 1825 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली, जिसे बम्बई को वर्तमान में मुंबई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। देखा जाए तो दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपेंसी के नाम पर माना जाता है, जिन्होंने 25 सितंबर 1608 में दूरबीन का आविष्कार किया था। इस दूरबीन से 3 गुना नजदीक आप किसी भी चीज को देख सकते थे, लेकिन जैसे ही गैलीलियो ने इस दूरबीन के बारे में सुना तो गैलीलियो ने उस दूरबीन को बिना देखे ही अपनी दूरबीन का आविष्कार किया और उसमें बहुत सारे लेंसों का प्रयोग करके 20 से 30 गुना तक दूरी तक देखने वाली दूरबीन का आविष्कार किया, तो इसलिए गैलीलियो को दूरबीन का आविष्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध है हृदय यानी हार्ट से। पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो कि हृदय में लगाई जाती है। इसका काम होता है एबनॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, यानी असामान्य हार्ट रिदम को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, जो कि हृदय में ही इंसर्ट की जाती है। यह एक डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो जैसा ही कल हमने डिस्कस किया था, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 76, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसी प्रकार बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। लास्ट वीडियो का आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो है थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको लास्ट क्वेश्चन 80 का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, तो आप उन्हें जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपके पहले 60 क्वेश्चन कवर होंगे। और इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो तुरंत मिल सके। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।